अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारे वतन को मज़ीद तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करे और हमेशा हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह पाक अपना साया रखे। तो जनाब अल्लाह, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्राम लव और फेक लव, यानी ये जो आजकल के ज़मानों में बड़ा मशहूर हो गया है, हाँ भाई मुझे इससे प्यार हो गया है, ये नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब आप लोगों ने प्यार में रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजार दिया, ऑन द टाइम के जब आप लोग सीरियस होते हो और आप बोलते हो भाई आप अपने पेरेंट्स से बात करो, हम अपने पेरेंट्स से, तो अक्सर लड़के धोखा दे जाते हैं, कभी लड़कियाँ धोखा दे जाती हैं। सो वट इज़ धोखा एंड एवरी थिंग, हम लोग आज इसमें बात करेंगे कि अपने आप को सबसे पहले मोहब्बत से किस तरह बचाया जाए। अगर मोहब्बत हो जाए तो उसमें रियल मोहब्बत क्या है, फेक मोहब्बत क्या है, इनके ऊपर हम लोग थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। तो जनाब अल्लाह, सबसे पहला एक जो फार्मूला है वो है कि आपने अपने आप को प्यार से किस तरह बचाना है। सो प्यार से बचने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। वह फार्मूला ये है कि जब तक आप किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को ना देखे, ना उससे बात करे, सो ये पॉसिबिलिटीज़ में है ही नहीं कि आपको उससे प्यार हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको उससे प्यार हो जाए। क्यों? क्योंकि आप एक बंदे को जानते ही नहीं, वो अनजान है आपके लिए, ठीक हो गया। सेकेंडली, अभी देखो क्योंकि जिस तरह का हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो तमाम चीज़ें हैं, हमारी को क्लासेज हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं फील्ड में, ट्रैवलिंग में, हर जगह पर अपोजिट जेंडर का लाजमी सामना करना पड़ता है। तो अक्सर औकात क्या होता है कि इस सामने के दौरान में आप लोग फॉल इन लव हो जाते हो। तो इधर भी अगर यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करें कि अगर कोई, आप सपोज करो यू आर द बॉस और यू आर अ क्लाइंट और एनी थिंग, और आपके सामने कोई भी अपोजिट जेंडर बैठा है, फर्स्टली आप उसको इस तरह देखो ही ना, काम की नज़रों से देखो, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर आपने कोई बात करनी भी है तो काम की बात से हटकर कोई बात करो ही। अक्सर लोग होते हैं भाई शुगर मेरा कर ले, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक ही उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह बन जाती है। तो ये एक जो चीज़ है इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी नज़रसानी करनी है। अब देखें जनाब आला, लव की भी दो इकसाम है, एक होता है ट्रू लव, एक होता है फेक लव। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर अगर आप मज़ीद खोलो ना तो इनमें आ जाता है एक वन साइडेड लव, एक आ जाता है टू साइडेड लव, एक आ जाता है आपको किससे लव है मगर किसी और को आपसे लव है, तो बड़े ज़्यादा झगड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे ट्रू लव और फेक लव की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू लव एंड अ फेक लव, ठीक हो गया। तो आखिर को ट्रू लव है क्या चीज़ और फेक लव है क्या चीज़, आप लोगों को क्या करना है। देखें, ट्रू लव से तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आखिर में आपको हासिल करना है और वो ट्रू है, सच्चा है आपके साथ। तो ट्रू लव में जनाब अल्लाह जो चीज़ें देखी जाती हैं मेन चीज़ें, और फेक चीज़ में, फेक लव में जो चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, आजकल जो दुनिया है ना वो हमेशा चलती है कि भाई मुझे क्या मिला, मैंने क्या चीज़ पाई, मैंने क्या चीज़ खोई, यानी कहने का मकसद ये है कि अपने एडवांटेजेस को ज़्यादा देखती है। तो जब भी आपको कोई भी कहते हैं कि अगर जॉब के लिए भी अगर कोई आपको ऑफर दे, हाँ भी मेरी कंपनी में आ जाओ, तो फर्स्टली आपको देखना चाहिए कि आखिर इसमें उस बंदे का क्या लालच है। तो लव के अंदर भी, क्योंकि देखो अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपको तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड लव होगा ना, आप बोलोगे नहीं भी मैं तो उसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो ये तो सच बोल रहे हैं। लेकिन फर्स्टली थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा कि हाँ भी इसकी लालच क्या है, क्या ये बुरे कामों की तरफ जा रहा है, क्या ये अच्छे काम की तरफ है। और ट्रू लव वही है जो अपनी फैमिली को फौरन से इन्वॉल्व कर दे, बजाय इसके कि वो रिलेशन में रहे। अगर आप फैमिली को अपने इन्वॉल्व कर लेते हो, सो दैट इज़ रियली अ वेरी ट्रू लव, यानी कि फौरन से फैमिली को आप लोग इन्वॉल्व कर लो जो भी सिस्टम है। अब देखें, अभी जिस तरह से मेरे सामने कुछ काउंसलिंग केसेस भी आए, बहुत अच्छा जनाब अल्लाह दोनों में प्यार था और सच्चा लव था, मगर क्या हुआ, एट द एंड दोनों ने जब अपनी फैमिली से बात की तो लड़के के घर वाले नहीं माने जनाब अल्लाह, फिर काउंसलिंग के लिए आ कि भाई हम लोगों ने इतना अरसा गुजार लिया, हम लोग इतना तनाई में, हम लोग इतना हम नशों में लग गए, हम सिगरेटों में लग गए, इस तरह से। तो फर्स्टली जब भी आपको प्यार हो जाए, वट एवर योर एज, प्यार पर कोई आप कह लें कि कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप लोग इसको बुरा ना बनाए, इसको हलाल तरीके से लेकर जाए। इफ इन केस आपको प्यार हो गया, सो डरे बगैर, रिलेशन में रहे बगैर, कॉन्टेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स फ़ौरन से। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा अरसा रिलेशन में रह लोगे और बाद में कॉन्टेक्ट करोगे और वो ना माने, तो फिर आप लोगों के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो अगर आप लोग उसी वक्त कॉन्टैक्ट कर लोगे तो क्या होगा, हाँ या ना में उसी वक्त जवाब आ जाए। ज़्यादातर जो रिश्ते टूटते हैं ना, वो लड़की के पेरेंट्स अक्सर जो है मैंने देखा है वो मना कर देती है, क्यों, लड़का नहीं स्टेबल, लड़का ये है, लड़का वो है। सो आप जब स्टार्ट में उनको परफॉर्म कर दोगे हु यू आर, तो भी डेफिनेटली बात है कि आफ्टर ऑनवर्ड जो आपके पास टाइम होगा आप उसमें अपने आप को प्रूफ करो। तो जब आप रिलेशन को चलाते हो ना, कोई भी रिलेशन हो, भले ही सच्चे लवर्स का भी रिलेशन हो, उसको जब आप चलाते हो ज़्यादा अरसा तो ज़्यादा टिकता नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें फैमिली का बड़ा इशू आ जाता है। सो इसीलिए आप लोग पहले ही अपनी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरी करें और अपना जो ट्रू लव है, एक लव है, उसको हाँ या ना में तब्दील करें, ठीक हो गया, यानी अपने पेरेंट्स से फौरन बात करें। तो आज की वीडियो ये थी, आप लोगों का कोई सवाल हुआ यू कैन कमेंट राइट ओवर देयर, और इंशाल्लाह ताला रेगुलरिटी भी आएगी। शेयर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आए, तो इंशाल्लाह ताला अभी हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, ऑफिशियल वर्किंग होगी, काउंसलिंग को हम लोग यानी जायज़ तरीके से विद पेमेंट भी हम लोग उस पर स्टार्ट कर देंगे। सो आप लोगों की बस सपोर्ट चाहिए, शो अस सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट। एंड इस दफ़ा जो इंडिपेंडेंस डे है, होप के ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो, बजाय इसके कि हम लोग बाजे बजा कर, हॉर्न लगा कर, बड़े बड़े या बाइकों के साइलेंसर निकाल कर, या फिर बड़े बड़े झंडे लगा कर घूमें, आवाम को तंग करें, रोड्स ब्लॉक करें, इससे कुछ नहीं होता, बस आवाम को तकलीफ़ होगी। जो डेली रूटीन की आवाम है, रोड ब्लॉक्स करने से उससे तकलीफ़ होगी, घर में मरीज़ है आपके बाजों से, बाइकों के साइलेंसर से उसको तकलीफ़ होगी, एम्बुलेंस में एक मरीज़ जा रहा है, 8 पेशेंट उसके सामने आप साइलेंसर निकाल के फुल स्पीड में जा रहे हो, भाई हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। सो आप लोग तकलीफ़ देते हो, इसके बजाय आप लोग क्या करें, आप लोग ये करें कि आप लोग दुआ करें, एंड ख़ास तौर पर ये मुहर्रम के महीने में आया है, आप लोग दुआ करें और इसका एहतराम करें। अगर आप लोग मिली नगमे नहीं पे करेंगे, प्ले करेंगे या फिर कुछ इस तरह नहीं करेंगे, आप लोग पेट्रियोटिज़म से नहीं हटेंगे, आप लोग बल्कि ट्रू पेट्रियोटिज़म शो करेंगे, अगर तो आप लोग अपने वतन को अच्छी तरह से लेकर चलते हैं। ये हमारा वतन है, हमारा घर है। आप लोग में से कौन सा ऐसा बंदा है जो वालदैन सो रहे हो तो आप लोग बाजे बजा के उनके दरवाजे जाके बाँ बाँ लगे हो, एनी वन लाइक दैट, नो, क्यों, क्योंकि आप लोग घर है, घर में वैसे ही अब्बा जी ने जूते उतारने तो ठा ठा मार दे, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगवा देना इस तरह गिर करते। तो ये वतन हमारा घर है, खुदा इसको अपना घर समझे। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।